कि आप एकमात्र ऐसे आईएएस है जो हंसते भी स्टूडेंट लाइफ भी आपका पटना में गुजरा। जी, पूरा स्टूडेंट लाइफ पटना में गुजरा। लोगों का जो प्यार है वो छलक छलक के मुझे मिला, और चार पांच तो मेरे स्टूडेंट ही रहे हैं जो अभी आपने सुना होगा। आपके लिए कितना कैसे कहे भावुक क्षण है जो भी है कि बिहार दिवस के दिन ही बिहार से फेयरवेल मिल रहा है? हाँ, एक्चुअली एक कोइंसिडेंस कह सकते हैं। देखिए, जितना नाम होगा उतना बदनाम का चांस ज्यादा होता है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। आज बिहार दिवस है, गौरवशाली हमारा बिहार। आज उसकी स्थापना का 111वां दिवस है, 111वां जन्मदिन है आप कह सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ बिहार के चर्चित आईएएस डॉक्टर रंजीत सिंह जी हैं, पंचायती राज विभाग में निदेशक थे। लेकिन बात यह है कि आज बिहार दिवस के दिन ही आपका फेयरवेल हो रहा है। हम अभी देख रहे थे तस्वीरें, आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर कैसे लोग आपको बधाई दे रहे हैं, आपके डिपार्टमेंट के लोग आकर। और सबसे बड़ी बात, मुझे भी आज ये जानकारी मिली, हालांकि मैं आपसे कई बार पहले मिल चुका हूँ, कि आप एकमात्र ऐसे आईएएस हैं जो हंसते भी हैं। नहीं, सभी लोग हंसते हैं, लेकिन कहाँ हंसते हैं वो डिसाइड करते हैं। मैं हर जगह हंसता हूँ। आप हंसते हैं? जी हंसते। जानकारी ये दे दें कि सर अब केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर दिल्ली जा रहे हैं, कितना याद रहेगा ये बिहार? निश्चित रूप से, चूँकि बिहार आने का मकसद भी यही था कि मैं बिहार में आऊँ और काम करूँ, क्योंकि मैंने पटना में पूरी स्टडी की थी और पटना के हर गली से वाकिफ था, और मैं ये सोचता था कि बिहार स्टूडेंट लाइफ भी आपका पटना में ही गुजरा था। पूरा स्टूडेंट लाइफ पटना में गुजरा था, तो इसलिए मुझे पटना से खास लगाव था, और इसीलिए मैं गुजरात जैसे अच्छे स्टेट कैडर को छोड़कर डेपुटेशन पे अपने वतन में आया था, अपने बिहार आया था, इसलिए क्योंकि ताकि मैं यहाँ सेवा दे सकूँ। और काफ़ी मैं सेटिस्फाइड हूँ, क्योंकि मैं 5 जगह पे रहा। डीएम सीतामढ़ी में 2 बार बना, और वो डीएम रहे, फिर शिक्षा विभाग में निदेशक रहे प्राइमरी एजुकेशन में, फिर आप पंचायती राज में आए, तो काफ़ी सफर रहा। गोल काफ़ी अच्छा रहा, क्योंकि आप इसी बात से समझ सकते हैं, जब भी ट्रांसफ़र हुआ उस ट्रांसफ़र के बाद का जो माहौल रहा वो आप ही अच्छे से जानते हैं। चाहे सीतामढ़ी से ट्रांसफ़र हुआ हो या फिर एजुकेशन डिपार्टमेंट से, लोगों का जो प्यार है वो छलक छलक के मुझे मिला, और लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया, बहुत सराहा। यह मेरे लिए बहुत सेटिस्फैक्ट्री रहेगा और हमेशा मेमोरेबल और यादगार रहेगा कि मैंने। दिल्ली भी जाएंगे या कहीं जाएंगे तो आप बिहार को याद करेंगे वहाँ पर? निश्चित रूप से, दिल्ली में किसी भी मिनिस्ट्री में अगर मैं रहता हूँ तो वहाँ से तो फिर बिहार से कनेक्शन होना ही होना है, क्योंकि ऑल इंडिया। आपने कई सारे बच्चों को आईएएस की पढ़ाई करवाई, मतलब यूपीएससी की पढ़ाई करवाई, बीपीएससी की पढ़ाई कराई, कई ऐसे लोग बच्चे अभी भी मिलते हैं जिन्होंने कहा कि हाँ निःशुल्क पढ़ाई हुई और उनका सिलेक्शन भी हो गया, तो यही कमा के जा रहे हैं? जी, मैं बिल्कुल कमा के जा रहा हूँ, और यहाँ जो बीपीआरओ देख रहे हैं उसमें से 4-5 तो मेरे स्टूडेंट ही रहे हैं जो अभी आपने सुना होगा, जिनका मैंने मॉक इंटरव्यू भी लिया था। और आगे भी मैं दिल्ली भी रहूँगा या फिर कहाँ जहीं यहाँ भी रहूँगा, तो भी मेरी जो मिशन 50 है, फ्री वाली क्लासेज जो चलती रहेगी, छुट्टी के दिनों में या सैटरडे संडे में यहाँ आने ही वाला हूँ, इसलिए बिहार से शनिवार रविवार को तो आएंगे। जी बिल्कुल, मैं मेरा कनेक्शन जो है वो रहेगा ही, और मेरी जो संस्थान है वो निश्चित रूप 12 साल से है, और अब देखेंगे बिहार में आधे के आसपास जो है ऑफिसर है कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमसे जुड़े हुए हैं, तो मेरा एक पैशनेट है कि मैं बच्चों को पढ़ाना चाहता हूँ, उनको गाइड करना। आपके लिए कितना कैसे कहे भावुक क्षण है जो भी है कि बिहार दिवस के दिन ही बिहार से फेयरवेल मिल रहा है? एक्चुअली एक कोइंसिडेंस कह सकते हैं, क्योंकि मैं 8 जनवरी को रिलीव हुआ था, 2 महीने की छुट्टी थी, और फिर जो है कल मेरी 2 महीने के बाद 15 दिन की जो होती है ज्वाइनिंग टाइम, वो कल पूरी हो रही है, तो कल मुझे गुजरात ज्वाइन करनी है, और गुजरात सरकार से मुझे एनओसी भी मिल गई है भारत सरकार के लिए, तो जल्दी ही भारत सरकार में कहीं प्रतिनियुक्ति मेरी हो जाएगी और फिर मैं आपको नजर आऊंगा। बिहारी लोग जब कभी दिल्ली जाएंगे अगर फुर्सत रहेगा तो रंजीत सर से मिलेंगे जरूर? मैं तो फुर्सत ना रहे तो भी आना है, मैं फुर्सत तो हमेशा निकाल ही लेता हूँ, कोई भी व्यक्ति आए जब भी आए। बिहारियों के लिए स्वागत है हमेशा, ऑलवेज स्वागत रहेगा, और मुझे अच्छा लगता है जहाँ भी मुझे मिलते हैं बिहार के लोग, और दिल्ली में तो पूरा समझ सकते हैं 1/3 बिहारी है। अंतिम सवाल हमसे है, हमारा आपसे है कि बिहारी जो है वो डरते नहीं हैं, कई विवाद भी हुए लेकिन आप ऐसे ही हंसते हंसते इन विवादों से पार पा गए। देखिए, जितना नाम होगा उतना बदनाम का चांस ज़्यादा होता है, और चूंकि खबरें बेचनी होती है तो जो सही बात होती है उसको छोड़ के दूसरी बातों को रखना है, तभी आपका नाम ज़्यादा है तो कुछ गलत बात को रखेंगे तभी तो उनकी चलेगी। विवादों से डरे नहीं बिहारी हैं सच में? सही, जो सही है उसके लिए डरने की बात ही नहीं। आप हमेशा जो जिस कल्चर और जिस समाज सोसाइटी और माता पिता ने जो हमें दिया है अब संस्कार, वो संस्कार कभी हट नहीं सकता, गलत कभी कर ही नहीं सकते हैं। जब हमने गलत नहीं किया डरने की क्या बात है? देखिए, गलत नहीं किया तो डरने की क्या बात है? आज उनके फेयरवेल में, इस विदाई समारोह में कैसे लोग खुश हैं, उन्हें बधाई दे रहे हैं, उनसे आशीर्वाद ले रहे हैं, उनसे शुभकामनाएं ले रहे हैं, आप तमाम तस्वीरें देख रहे होंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।